ओप्पो फाइंड एक्स थ्री प्रो लिस्ट हो चुका है एफसीसी सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे, जिसका मतलब है कि फ़ोन बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। अब इस लिस्टिंग के थ्रू कुछ स्पेक्स पता लगी हैं कि क्या क्या आपको इस फोन में मिलेगा, एंड कुछ लीक्स एंड रूमर्स भी है कि क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एक्स थ्री प्रो में। नाउ अगर मैं एक्स सीरीज की बात करूँ तो ये ओप्पो की एक फ्लैगशिप सीरीज है, जहाँ पे आपको एकदम टॉप टीयर टॉप नॉच स्पेक्स मिलती हैं, मतलब एक किलर फोन मिलेगा। नाउ एक्स थ्री प्रो की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले चलते हैं स्क्रीन की तरफ। यहाँ पे आपको मिलेगी 6.7 इंचेस की एमुलेट डिस्प्ले, 2K मतलब क्वाड एचडी प्लस डिस्प्ले, 120Hz रिफ्रेश रेट भी यहाँ पे आपको मिलेगा, एंड 10-bit कलर डेप्थ भी है। तो अगर मैं स्क्रीन की बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा आपको वाइब्रेंट पंची कलर्स मिलेंगे, हाई रिफ्रेश रेट है तो आपके एनिमेशन बहुत ज़्यादा स्मूथ होने वाले हैं। तो अगर आप गेमिंग करते हो या बिंज वॉच करते हो बहुत सारे शोज़ ऑन नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, हॉटस्टार, या नॉर्मली भी अगर आप मूवीज़ या शोज़ देखते हो तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अब मैं बात करूँ अगर बैटरी की, तो यहाँ पे स्प्लिट की गई है बैटरी 2 parts में। एक जो पार्ट है वो है 2200 mAh का, एंड दूसरा पार्ट है वो है 2250 mAh का। टोटली बैटरी का साइज़ है 4450 mAh, जिसको आप चार्ज कर पाओगे 65W के फास्ट चार्जर से। कैमरा सेंसर्स की अगर मैं बात करूँ तो पीछे के साइड आपको मिलेगा क्वाड कैमरा सेटअप, जहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि 50MP का सोनी का सेंसर आपको यहाँ पे मिलेगा, 25x का टेलीफोटो लेंस, एंड एक अल्ट्रा वाइड लेंस एंड एक मैक्रो सेंसर। तो यहाँ पे आपको चार सेंसर्स मिलेंगे, एंड अल्ट्रा वाइड लेंस कितने मेगापिक्सल का होगा या मैक्रो लेंस कितने मेगापिक्सल का होगा ये अभी क्लियर नहीं है, ये हमें फ्यूचर लीक्स में पता लगेगा जैसे जैसे लीक्स आएंगे, क्योंकि फ़ोन लॉन्च होने वाला है बहुत ही जल्द, तो आई होप कि बहुत सारे लीक्स आने वाले हैं। फ्रंट फेसिंग कैमरा की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप एटलीस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो 32MP का सेल्फी शूटर। अब मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर मैं लास्ट सीरीज की बात करूँ X2 सीरीज की, वहाँ पे भी उन्होंने 32MP का सेल्फी शूटर दिया था, तो एटलीस्ट यहाँ पे भी आप 32MP का सेंसर एक्सपेक्ट कर सकते हो। इससे बेटर अगर ओप्पो दे दे तो बहुत बढ़िया बात है। बात करूँ मैं अगर इसके चिपसेट की, तो आपने ऑलरेडी गेस कर लिया होगा, क्योंकि ये एक फ्लैगशिप टॉप नॉच टॉप टीयर वाला फोन है। यहाँ पे आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन का 888 प्रोसेसर, 5G वाला प्रोसेसर है। परफॉर्मेंस की तो यार मैं कुछ बात कर ही नहीं सकता, ना मैं इसको कंपेयर कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगी एकदम किलर परफॉर्मेंस। कुछ भी आप करते हो यार, हैवी टू हैवी टास्क या गेमिंग अगर आप बिल्कुल हाई एंड करते हो, कोई इश्यूज नहीं आने वाले, सब कुछ मक्खन चलेगा। अब बात करते हैं कि कब आप ये फ़ोन को एक्चुअल में देख पाओगे या कब ये फ़ोन एक्चुअल में लॉन्च होगा। एज पर दी लीक्स, एज पर दी रूमर्स, एक्सपेक्टेड है कि ओप्पो इसको लॉन्च करेगा समवेयर इन मार्च। तो मार्च में ये फ़ोन आएगा, एंड इसके साथ X3 वाला वेरियंट भी आएगा, जो एक वनीला इनका वेरिएंट होता है, X3 एंड X3 प्रो, दो वेरिएंट आते हैं हमेशा, तो दोनों फ़ोन एक साथ ही आएंगे। डिफरेंसेस की अगर मैं बात करूं दोनों में तो होते हैं, कैमरा सेंसर के मामले में डिफरेंसेस होते हैं, चिपसेट आपको दोनों में ही सेम देखने को मिलेगा, बट हाँ X3 प्रो वाला जो वेरिएंट होता है वो बेटर होता है X3 से। प्राइसिंग डिफरेंस भी होगा, तो आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा आपको लेना है। तो अगर आपको ओप्पो फाइंड X3 प्रो लेना है तो आप वेट कर सकते हो, मार्च में दोनों ही फोन्स आएंगे। बस इतना था इस वाली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब टू द चैनल। मैं मिलता हूँ आपको अगले वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।